तो आज हम बात करें कि एंड्रॉइड ड्यूअल पार्टीशन क्या होता है, एंड्रॉइड सिंगल पार्टीशन क्या होता है, सिस्टम सीमलेस अपडेट क्या है, हमें कौन सा एंड्रॉइड फोन लेना चाहिए, एबी पार्टीशन या ए ओनली पार्टीशन, और इसमें से बेस्ट कौन सा है, ये सारा डाउट आपके मन में आया होगा। तो आइए जानते हैं। बट उससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो देखिए, आप अगर एक नॉर्मल यूजर है तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि एबी पार्टीशन क्या है या सिंगल पार्टीशन क्या है, बट आप अगर किसी की भी वीडियोस को देख के अपने डिवाइस में कस्टम रोम रिकवरी इंस्टॉल करते हैं या डिवाइस को रूट करते हैं तो आपको जानना जरूरी है कि एबी पार्टीशन क्या होता है, सिस्टम सीमलेस अपडेट क्या है एंड सिंगल पार्टीशन क्या होता है। ये सभी चीज जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गूगल ने पहली बार मार्केट में एंड्रॉइड को सिंगल पार्टीशन में लॉन्च किया था, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज में ए ओनली पार्टीशन बोला जाता है। एग्जाम्पल, एक एंड्रॉइड फोन है, इसके अंदर एंड्रॉइड ओएस इंस्टॉल है और ओएस के अंदर बूट सिस्टम रिकवरी कैश डेटा ये सभी फाइल एक साथ मिलके एंड्रॉइड ओएस बनाता है और इसे सिंगल पार्टीशन यानी कि ए ओनली पार्टीशन एंड्रॉइड सिस्टम बोला जाता है, जो हमें ओल्ड फोन में देखने को मिलता था। एंड 2016 में गूगल ने अपना पहला पिक्सल फोन लॉन्च किया था जिसमें एबी पार्टीशन सिस्टम सपोर्टेड था और ओल्ड ओएस में थोड़ा सा चेंजेस किया था। लाइक ओल्ड एंड्रॉइड ओएस ले लेते हैं, इसे दो स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं, स्लॉट ए स्लॉट बी, और अब की बार ओएस के अंदर बूट सिस्टम डेटा फाइल मिलके एक न्यू एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। बट इसमें अब कैश एंड रिकवरी फाइल्स नहीं है, एक्चुअली में है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब एबी पार्टीशन में एंड्रॉइड सिस्टम बंद तो गया, लेकिन फोन सिंगल पार्टीशन पे ही रन करता है। दैट मींस स्लॉट ए एक्टिव है तो स्लॉट बी इनएक्टिव एंड कैश फाइल के लिए इनएक्टिव स्लॉट ही यूज होता है। अब सवाल है कि जो इनएक्टिव स्लॉट है ये सिर्फ कैश फाइल को स्टोर करने के लिए होता है? नहीं, स्लॉट बी तब यूज होता है जब आपके डिवाइस में ओटीए अपडेट आता है। मतलब करंट में आपके डिवाइस में स्लॉट ए में एंड्रॉइड 13 रन कर रहा है और ओटीए अपडेट एंड्रॉइड 14 वाला मिलता है, आपने डाउनलोड किया इंस्टॉल पे लगा दिया और ओटीए अपडेट इंस्टॉल होगा स्लॉट बी में यानी कि इनएक्टिव स्लॉट में। इंस्टॉल डन, इनएक्टिव स्लॉट एक्टिव होगा तब आपका फोन बूट करेगा एंड्रॉइड 14 में यानी कि न्यू ओएस में। इन केस इंस्टॉलेशन में कुछ एरर आता है तो स्लॉट बी इनएक्टिव ही रहेगा, एक्टिव नहीं होगा एंड वापस से ओल्ड ओएस में डिवाइस बूट करेगा, मतलब कि एंड्रॉइड 13 में यानी कि स्लॉट ए में। एंड आपको मैसेज मिलेगा कि इंस्टॉलेशन एरर ट्राई अगेन, यानी कि आपका डिवाइस और डेटा दोनों ही सेफ है और पूरा प्रोसेस को सीमलेस सिस्टम अपडेट बोला जाता है। बट पहले जो सिंगल पार्टीशन सिस्टम आता था उसमें एक ही स्लॉट होता था एंड ओएस अपडेट होने के बाद किसी वजह से अपडेट कंप्लीट नहीं हो पाया तो डिवाइस करप्ट हो जाता था, जो डाटा था वो डिलीट हो जाता था एंड डिवाइस ठीक करने के लिए कुछ पैसे भी खर्चा करना पड़ता था और अगर वारंटी पे है तो सर्विस सेंटर जाके फ्री में हो जाता था। यानी कि सिंगल पार्टीशन डिवाइस में डेटा और डिवाइस दोनों ही अनसेफ है एंड इस चीज को देखते हुए गूगल ने यहाँ पे ड्यूअल पार्टीशन सिस्टम को लॉन्च किया था। तो बेसिकली गूगल ने एबी पार्टीशन सिस्टम इसलिए बनाया ताकि आपका डिवाइस और डेटा दोनों सेफ रह पाए। तो मेरे ख्याल से सारा डाउट क्लियर हो गया है कि एबी पार्टीशन क्या होता है, सिंगल पार्टीशन क्या होता है, इन दोनों में से कौन सा फायदेमंद है। और हाँ, आपको ड्यूअल पार्टीशन सिस्टम ही लेना चाहिए एंड ड्यूअल पार्टीशन सिस्टम के लिए कुछ नहीं करना, आपको एक अच्छा ब्रांड सजेस्ट करना है एंड लेटेस्ट मॉडल बाय करना है, क्योंकि आजकल मार्केट में जितने भी फोन आ रहे हैं सभी फोन ड्यूअल पार्टीशन पे ही रन करता है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। आगे और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड इंस्टा में फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।